नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पे। मेरा नाम है सनील कुमार और आप देख रहे हैं बी डेफिनेट। तो दोस्तों, आज का ये एक ट्रेवल वीडियो है और अगर आप मेरी तरह पहाड़ और समुद्र देख के बोर हो चुके हैं तो जैसलमेर वो जगह है जहां पे आपको जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जैसलमेर में कहां घूमना है, क्या क्या देखना है, कैसे पहुंचना है इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसलमेर एक बहुत ही कमाल की जगह है, बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। जैसलमेर जाने के लिए आपको जोधपुर जाना पड़ेगा। जोधपुर से कुछ 5 घंटे का रास्ता है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, जयपुर से भी जा सकते हैं, अजमेर से भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पार्ट में हैं। और शायद एयरपोर्ट नहीं है वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जोधपुर ही में ही शायद लास्ट एयरपोर्ट है, वहां से बाय रोड या बाय ट्रेन का रास्ता है। जैसलमेर आप जब उतरेंगे, जब आप वहां पहुंचेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट, अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस होटल में मैं रुका था तो वहां पर जनरली ज्यादातर आप देखेंगे कि फॉरनर्स ज्यादा दिखेंगे आपको। मेरे इटालियन एक कपल था मेरे रूम के बाजू में और फिर एक मेरे होटल में कोरियन कपल भी था, तो बहुत ही मतलब फॉरनर्स, इंडियन से ज्यादा आपको फॉरनर्स वहां देखने को मिलेंगे। होटल्स जितने भी हैं वहां पे सब एक उनका एक एंशियंट और एक हेरिटेज लुक है और बहुत ही डिफरेंट एक उसकी क्रिएटिविटी और आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर में घूमने के लिए कई जगहें, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसलमेर फोर्ट है जो आपको देखना ही देखना है। फिर उसके बाद एक गढ़ी सागर लेक है जो बाजू में ही है स्टेशन के। आप कुलधारा विलेज है जिसके बारे में आपने एपिक चैनल पे, उस पर एक सीरियल, एक एपिसोड बन चुका है, डिस्कवरी पे उसके बारे में आ चुका है। तो तमाम चीजें हैं जो आप वहां पे जैसलमेर में देख सकते हैं। देखिए, जो मैंने पैकेज लिया था उस पैकेज में मेरा कैमल राइडिंग और साइट सीन्स और उनका एक राजस्थानी जो फोक डांस कल्चरल प्रोग्राम होता है रात में, वो इंक्लूडेड था, प्लस डिनर था उसके अंदर। तो पूरा कंप्लीट एक पैकेज था मेरा। डिनर के बाद जब डिनर मैंने किया, वहाँ पे नॉनवेज खाया मैंने, तो मुझे वो थोड़ा सा मीठा सा लगा, हल्का सा, मतलब स्पाइसी नहीं लगा। तो मैंने अपने गाइड से कहा भी था कि यार खाना, उसने मुझे पूछा कि भैया खाना कैसा लगा आपको, तो मैंने कहा अच्छा तो था लेकिन थोड़ा टेस्ट नहीं था उसके अंदर। तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली यहाँ पे फॉरनर्स काफ़ी आते हैं तो इसीलिए हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। जब आप वहाँ, जैसलमेर की खासियत ये कि जब आप जब घूमने जाएंगे तो चारों तरफ अपने रेत के टीले देखेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और आपका मन बस करेगा कि गाड़ी कहीं भी रोक के आप रेत के टीले पे चढ़ जाएं और खूब खेलें वहाँ पे। मैं भी बहुत खेला था और इतना एक्साइटेड था कि मेरे जो DSLR कैमरा था उसके लेंस में रेत घुस गई थी। वो तो वारंटी में था तो ठीक हो गया। बहरहाल बहुत मज़ा आएगा आपको। और फाइनली लास्ट में मैं बॉर्डर पे भी गया था। मेन पब्लिक के लिए तो 10 किलोमीटर पहले ही बैरिफिकेटिंग लगा दी जाती है, उसके आगे अलाउड नहीं होता जाना। पर चूंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो प्रिविलेज मिला मुझे वहाँ जाने का, अंदर जाने का। करीब मेन जहाँ से आप पब्लिक को रोक दिया जाता है वहाँ से 10 किलोमीटर का और रन है अंदर। और एकदम लाइव, एकदम सामने सामने मैंने इंडिया की पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट को देखा, उनके सोल्जर्स को देखा, तो जैसे रोंगटे से खड़े हो गए मेरे, इतना पास अपनी बॉर्डर को देख के। तो वो फीलिंग भी एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। आप जब खुद उस चीज़ को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। और कमाल की जगह है, मतलब कुछ भी उसमें कुछ भी डाउट मत रखिएगा अपने दिल में और एकदम बिंदास जाइए। हाँ, उसका मार्च के बाद सितंबर तक शायद वो जैसलमेर बंद रहता है क्योंकि गर्मी शायद 50 डिग्री के आसपास चली जाती है। फिर अक्टूबर से वो खुलता है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च तक वो खुला रहता है। तो अपने हिसाब से अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। दोस्तों, जब आप अपना कंपेइंग, अपने साइट सीन स्टार्ट करेंगे देखना, तो जैसलमेर फोर्ट तो देखना ही है। लकीली मेरे होटल के पीछे ही था वो, और एकदम एक नंबर का वो फोर्ट है। आपको घूमिए, पूरा लुफ्त लीजिए उसका, उसके कुछ उसके हिस्टोरिकल उसकी बातें भी हैं जो आपको वहाँ पे गाइड होंगे या जो लोकल शॉपकीपर्स होंगे वो बताएंगे आपको। और कमाल का फोर्ट है वो, पूरा एंजॉय करिए उसका। और मैंने भी किया था।
और जब आप बाहर निकलेंगे फिर जैसे मैंने बताया आपको कुलधारा विलेज के बारे में भी, आप वहां जाइए और समझिए कैसे एक ही रात में पूरा गांव कैसे खाली हो गया या करा दिया गया, क्या कहानी है उसकी। इसके अलावा भी और भी दो तीन किले हैं, दो तीन साइट सीन और हैं, आप सबका मजा लीजिए और दो से तीन दिन का प्लान जरूर करिएगा वहां पे, और एकदम डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस लगेगा कि बाकी पूरे इंडिया में और जैसलमेर में बहुत फर्क है, डिफरेंट है और आपको जिंदगी भर वो याद रहेगा। इवन मैं दोबारा भी जाने का प्लान कर रहा हूँ साल 6 महीने में। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरा जैसलमेर के बारे में। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए ट्रेवल ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम साहब।